अगर आप एक फ़ोटोशॉप यूज़र है तो आपके पास एक प्रॉब्लम तो लाजमी आती होगी या आगे आएगी। जी हाँ, स्क्रैच डिस्क फुल कैड। सिंपली जाओ सी ड्राइव पर, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाओ, यहाँ पर डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करो और क्लिक करने के बाद ओके कर दो। सो इससे ये होगा कि आपके सिस्टम में जितनी अननेसेसरी फाइल्स हैं, जिसके आपके सिस्टम पर होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद सिंपली कंट्रोल आर प्रेस करो और लिखो %temp% और ओके कर दो। और यहाँ पर जितनी फाइल्स हैं सबको सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। जितनी फाइल्स डिलीट होने वाली हैं वो हो जाएंगी, और जितनी रह जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि आपके हार्ड ड्राइव पर अभी वो फाइल्स रन कर रही हैं, तो इस वजह से वो डिलीट नहीं होंगी, वो आप बाद में भी कर सकते हो। उसके बाद सिंपली फोटोशॉप में जाओ। फोटोशॉप में जाने के बाद एडिट में जाओ। एडिट में जाने के बाद यहाँ से आप प्रेफरेंसेस में जाओ। प्रेफरेंसेस में जाकर यहाँ पर स्क्रैच डिस्क ऑप्शन होगा, वहाँ क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप डी ड्राइव या ई ड्राइव पर चेक लगा दो, वो आपकी मर्जी है। तो इससे आपका ये होगा कि स्क्रैच डिस्क का मसला सॉल्व हो जाएगा और इस तरीके से आप फोटोशॉप अपना ईजिली यूज़ कर सकते हो। सो इस